हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज यहाँ पर है TVS की रेडियन और ये वाली बाइक पाथरी के अंदर है डीलरशिप के ऊपर TVS के। तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है सब कुछ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से इनको कॉल कर सकते हो, इनका नंबर ले सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है वो सब आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो भाई ये वाली बाइक है TVS की रेडियन ड्यूरा लाइफ, यहाँ पर आप बैजिंग वगैरह देख सकते हो, रेडियन की 3D में बैजिंग वगैरह। तो ये 110cc के अंदर काफ़ी बेहतर बाइक है, अगर जो एज जो पीपल होते हैं अडल्ट होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा मिलेगा, डिजिटल में आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, एकदम सिंपल सादी क्लासिक बाइक है। और यहाँ पर आपको TVS का लोगो भी दिखेगा इस साइड में, आप यहाँ पर देख सकते हो स्पीडोमीटर, और इस साइड में साइड का स्टैंड का भी आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो बता देगा, फ्यूल मीटर भी बता देगा, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और इसकी की बात करें तो की आपको यहाँ पर कुछ ऐसी मिलती है TVS की सीजर के अंदर, सॉरी ये नॉर्मल वाली की है। और यहाँ पर साइड ग्लास वगैरह कुछ ऐसे है, दिखने में काफ़ी क्लासिक लुक है इसका, सामने से आप देख सकते हो इसका हेडलैम्प कुछ ऐसा है, हैलोजन में आपको यहाँ पर हेडलैम्प और इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पर आपका नंबर प्लेट का प्लेसमेंट होगा। और टायर की बात करें तो टायर की ग्रिप वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो, टायर भी आपको यहाँ पर TVS का ही मिल जाएगा, सामने आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिलेगा, पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। और ये 110cc की बाइक है तो ऑब्वियसली इसका माइलेज जो है वो काफ़ी अच्छा है, अबव 65 km/h आप यहाँ पर मानकर चलो, कंपनी क्लेम करती है 75-80, बट यहाँ पर आपको 65 के ऊपर इसका माइलेज मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कुछ भी जो लगेज वगैरह है यहाँ पर आप इसके अंदर टो कर सकते हो, यहाँ पर पीछे भी आपको यहाँ पर जो ग्रैब रेल है इसके ऊपर आप यहाँ पर अपना सामान वगैरह लोड कर सकते हो, वो उसके लिए भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। पीछे की साइड में आपको यहाँ पर हेलोजन में ब्रेक लैंप और इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप अपना नंबर प्लेट वगैरह लगा सकते हो। और पीछे का टायर भी आपको TVS का ही मिल जाता है, ड्यूअल सस्पेंशन है यहाँ पर। साइलेंसर की बात करें, साइलेंसर के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने आपका सामान वगैरह रखने के लिए कुछ एडऑन्स किए हुए हैं इसके ऊपर, तो जिससे कि आपका सामान वगैरह कुछ जल ना सके। तो ये बाइक काफ़ी अच्छी है एडल्ट लोगों के लिए, क्योंकि माइलेज तो बेस्ट है ही, साथ ही में इसके अंदर काफ़ी इसका जो रिफाइंड इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, इसमें आपको स्मूथ शिफ्टिंग वगैरह गियर्स की वगैरह मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छी बाइक है। और इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो भी अंडर 1 lakh है, तो आई वुड से कि इट्स रियली रियली वेरी वेरी ग्रेट बाइक, अगर एडल्ट्स के लिए चाहिए तो आप इसको प्रिफर कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में यहाँ इसके ट्रांसमिशन के बारे में बोलना ही भूल गया, एक्चुअली में ये है ना 4 speed के साथ आती है, तो यहाँ पर आपको 4 gear मिलते हैं इस बाइक में, और बाइक काफ़ी ग्रेट है। आई वुड रियली रिकमेंड यू टेक इट एंड राइड। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।